भदोही त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की वजह से ठप पड़े ग्राम पंचायतों के विकास कार्यों में धीरे धीरे गति आने लगी है। ग्राम पंचायतों के विकास की अधूरे विकास परियोजनाएं बन रही हैं। हालांकि अभी कई ग्राम पंचायतों में बस्ता नहीं मिलने की समस्या है, लेकिन शीघ्र ही वहां भी विकास की गाड़ी पटरी पर आ जाएगी। इसी क्रम में विकास खंड ज्ञानपुर की ग्राम पंचायत कंसापुर में नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान कोमलपाल की अगुवाई में आज से मनरेगा का कार्य शुरू किया गया है। प्रधान कोमलपाल ने बताया कि मनरेगा योजना के तहत गांव के एक तालाब का जीर्णोद्धार करवाया जा रहा है। इसके लिए पंजीकृत मनरेगा मजदूरों को कार्य पर लगाया गया है। प्रधान ने बताया कि तालाब का जीर्णोद्धार करवाने के साथ ही वहां पर पौधारोपण भी करवाया जाएगा। दूसरी तरफ कोरोना काल के उपरांत गाँव में ही कार्य मिलने से मजदूरों के चेहरे खुशी से खिले हुए नजर आए हैं। मजदूरों का कहना है कि अब उन्हें कार्य के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। क्या नाम है? मगना। मगना कौन सा गांव है? यहाँ के कौन प्रधान? कंसापुर। यहाँ के प्रधान कौन है? कोमलपाल। आप लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे? कौन सा काम चल रहा है? नरेगा का काम। कितने दिनों से काम कर रहे हैं? 9 रोज से। आप लोगों को रोजगार मिल गया घर बैठे ही? हाँ, घर बैठ के काम करते हैं साहब। कैसा लग रहा है आप लोगों को काम मिला है, इससे क्या कहना चाहेंगे? अच्छा लग रहा है। जब बाहर करने के जा रहे हैं तो अपने घर में करते हैं। कितना मिल जाता है एक दिन में आप लोगों को? अब 206। इससे आप लोगों का परिवार चल जा रहा है? घर परिवार का किया जाए, चले तो है। अब कौन को जब बैठा रहते तो कुछ नहीं मिला था, कैसे बीतता है। क्या नाम है आपका? शिवशंकर सर। शिवशंकर जी, क्या कर रहे हैं आप लोग, किस तरह का काम चल रहा है? फिर नरेगा के तहत काम हो रहा है सर। कितने दिनों से आप काम कर रहे हैं? 9 दिन से हो गया सर। क्या मिलता है आप लोगों को? 206 रुपए मिलता है सर। अब आप लोग घर पे ही काम करें, किस तरह से? आप परदेश जाने से बेहतर है, थोड़ा बहुत यही काम मिल जाता है, वही करते हैं और रोजी रोटी चल जाता है। क्या नाम है आपका? कोमलपाल, नवनिर्वाचित प्रधान कंसापुर। और यहाँ की भोली भाली जनता ने हमें अच्छा से प्रधान बनाए और मेहनत करके जिताए। मैं उनका कोट कोट नमन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और इन गरीब जनता को हमने नरेगा में काम दिलाए और लोग हंसी खुशी से काम कर रहे हैं। और कोरोना काल में लोगों को जो है दरवाजे जाकर हमने जो है टीकाकरण कराए। धन्यवाद। इस चुनाव में किस तरह की चुनौतियां थी, कैसे आपने जीत हासिल किया? इस चुनाव में बहुत ढंग की चुनौतियां थी, बहुत मेहनत करना पड़ा। हमारे इस कंसापुर के पावन धरती पर जो हमारे जनता थे, वो लोगों ने बहुत मेहनत किया और मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ। स्टार न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए।